हेलो गाइस, सभी माता बहनों को मेरा नमस्कार। और मैं हूँ कोयल और हमारी शादी को 1 साल हो चुका है और हम 3 महीने की प्रेग्नेंट है। और आज का टॉपिक ये है कि प्रेग्नेंट होने का सही समय क्या है। तो इस वीडियो में मेरे पति बताएंगे सही समय क्या है और क्या नहीं। हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम राहुल है और ये मेरी वाइफ है, जो कि ऑलरेडी आपको बता चुकी हैं। और गाइस, हमारी शादी को 1 साल हो चुका है और इसी 1 साल के दौरान जो मेरी पत्नी हैं वो 3 महीने की प्रेगनेंसी के अंदर हैं। गाइस, मुझे लगता है कि यार हमसे खुशकिस्मत इंसान इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि संतान का सुख ही सब कुछ होता है। अब देखिए गाइस, संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी को 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, यहाँ तक कि 6 6 7 7 साल हो चुके हैं। हमें कमेंट आते हैं तो कमेंट करते हैं लोग कि यार हमारी प्रेगनेंसी को 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, लेकिन यार अभी तक हमें बच्चा नसीब नहीं हुआ या फिर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो यार उन लोगों के लिए सुनकर भी बुरा लगता है जब वो कमेंट करते हैं, तो एकदम यार हमें भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि यार हमें पता है कि अगर तुम्हारी शादी को थोड़ा सा भी ज़्यादा टाइम बीत जाए तो लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या नई नई बातें शुरू कर देते हैं। कोई तुम में कमी बताएगा, कोई तुम्हारी पत्नी में कमी बताता है, तो कमी बहुत सारी आपके सामने निकल के आएंगी। और जब हमारी शादी को 1 साल हो चुका था ना, तो थोड़े से दिन आगे पीछे हो ही जाते हैं यार, तो लोग यहाँ पर कहने लग गए थे कि बच्चा कब होगा, खुशखबरी कब आएगी। तो यार ये चीज़ें आपको भी सुनने के लिए ज़रूर मिलती होंगी। अगर मैं ये बात बिल्कुल सही बता रहा हूँ तो आप कमेंट करके बताओ कि राहुल भाई तुम गलत बता रहे हो या फिर तुम सही बता रहे हो कि यार हमसे तो कोई नहीं कहता, हमें तो कोई ताने नहीं मारता इस चीज़ के लिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कमेंट करके बताओ। अगर लोग तुम्हें ताने मारते हैं और तुम्हें भी ये चीज़ की फील होती है कि यार हमें बच्चा नहीं है, तो लोग क्या सोचते होंगे, तो कमेंट करो यार ये चीज़ को। तो गाइज, आज का टॉपिक ये है कि सही समय क्या है प्रेग्नेंट होने के लिए। देखिए, ये जो सवाल है ना, बहुत मोस्ट सवाल है। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या फिर आप पति बाप बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप इसी महीने प्रेग्नेंट हो जाएंगी और आप इसी महीने माँ बाप का सुख प्राप्त कर लेंगी और लोग आपके लिए नई नई बातें बिल्कुल नहीं मनाएंगे। ठीक है, अब देख गाइज, टॉपिक बहुत सारे हैं और ऑलरेडी मैं इस चीज़ के ऊपर कितनी वीडियो बना चुका हूँ मुझे खुद नहीं पता, लेकिन लोग बार बार कमेंट करते हैं कि इस चीज़ के बारे में बताओ। फाइनली मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। देख गाइज, सवाल है कि सही समय क्या है। नॉर्मली देखिए, सेक्स करने से बच्चा होता है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन सेक्स करना ही सब कुछ नहीं है कि सेक्स करेंगे ही तो बच्चा हो जाएगा, लेकिन एक सही समय होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें वो सही समय पता चल गया तो आप बहुत जल्दी माँ बन जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है कि यार शायद हम गलत कर रहे हैं, हम सही टाइम पर नहीं कर रहे, तो इस वीडियो को देखो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए गाइज, सही समय यही है कि जैसे आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, पीरियड्स बंद हो जाने के बाद जो शुरू के 7 दिन होते हैं, जैसे कि आज आपके पीरियड्स बंद हो गए, ठीक है, अब शुरू चाहे किसी भी तारीख को हुए लेकिन बंद आज हो गए, तो आप 7 दिन तक बैक टू बैक एक एक दिन का गैप करके 24-24 घंटे का आप यहाँ पे संबंध बना सकते हैं। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगे। मैं लोगों की नहीं जानता लोग क्या कहते हैं, हमें इतना पता है कि जैसा हमने किया, सिर्फ मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो हम लोगों ने किया जिससे तुम्हारी भाभी प्रेगनेंसी के अंदर आई। मैंने सिर्फ वो चीज़ें बताई हैं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि लोगों को मैं इधर उधर की बातें बताऊँ, लोगों को गुमराह कर दूँ, क्योंकि गुमराह करते वो लोग हैं जो पैसा कमाते हैं यूट्यूब पर। हमारा काम पैसा कमाना नहीं, हमारा काम सिर्फ लोगों को जागरूक करना और उनको शिक्षा देना। अब चाहे आप हमारे बारे में कुछ भी कहें या लोग हमारे बारे में कुछ भी कहें, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपसे को इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो और आपको बातें समझ में आ रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, लव यू टू ऑल, धन्यवाद।